नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रिंकेश प्राइम चैनल में। दोस्तों, जो हमारा सीरीज चालू है फार्मासी एंड मेडिकल टर्मिनोलॉजी, तो उसमें आज हम लोग एक नया टर्म के बारे में समझने वाले हैं जो कि है एक्सपेक्टोरेंट। तो पहले इसको पढ़ लेते हैं, फिर इसको अच्छे से समझ लेते हैं। एक्सपेक्टोरेंट होते क्या है? ड्रग्स दैट क्लियर्स आउट म्यूकस एंड द फेलगम। एन एक्सपेक्टोरेंट इज अ टाइप ऑफ कफ मेडिसिन यूज्ड टू हेल्प क्लियर द म्यूकस और द फेलगम फ्रॉम योर एयरवेज। ऐसी दवाइयां फार्मासी इंडस्ट्री में या फिर मेडिकल फील्ड में जो लोग प्रिस्क्राइब की जाती हैं उन पेशेंट को जिन्हें काफी ज्यादा हम देखते हैं कि बलगम हो रहा है, कफ हो रहा है, जो हम कहते हैं गीली खांसी जो हो रही है कि खांसते वक्त बलगम बाहर निकल रहा है, तो ऐसे पेशेंट में जो दवाई दी जाती है ताकि वो कफ या फिर जिसे अमेरिकन इंग्लिश में कहा जाता है या इंग्लिश भाषा में कहा जाता है इसे फेलगम, या फिर मेडिकल साइंस में भी हम जिसे कह सकते हैं इसे कहा जाता है फेलगम, यानी कि जो बलगम रहता है वो उसे बाहर निकालने के लिए, जो हमारे गले में रहता है जो कि बार बार सीक्रेशन होता है उसे बाहर निकालने के लिए जो दवाइयां इस्तेमाल की जाती है उसे कहा जाता है एक्सपेक्टोरेंट। अब ये काम किस तरीके से करती है? एक्सपेक्टोरेंट लुब्रिकेट योर एयरवेज, दिस हेल्प्स लूजन अप द म्यूकस एंड मेक इट सीक्रेशन इन योर एयरवेज थिनर। By loosening up the mucus, expectorant make your cough more productive. This make it easier for you to cough up the mucus effectively and clear your throat. क्या करता है? जो ये expectorants रहते हैं वो आपकी जो layer रहती है उसे काफी ज्यादा mucus जो है वो काफी provide कर देता है, जो lubrication जो है वो provide कर देता है mucus layer को, जिसकी वजह से क्या होता है वो mucus जो फेलगम जो है उसकी जो पकड़ रहती है layer के साथ उसे लूज कर लेता है, ताकि जब आप खांसते हो तो वो खांसते वक्त क्या रहता है कि वो फलगम जो बलगम रहता है वो इजीली आपके शरीर से आपके मुंह से जो है वो बाहर निकल जाता है और आपको एक सूदनिंग इफेक्ट मिलता है, जस्ट बिकॉज कि वो इसे एक स्मूथ कर देता है, लूजन अप कर देता है लुब्रिकेशन की वजह से, जिसकी वजह से जो उसका जो बॉन्ड है लेयर्स के साथ, जो कि म्यूकस लेयर्स के साथ जो बॉन्ड है वो थोड़ा सा लूजन हो जाता है, जिसकी वजह से आप अच्छी तरीके से खांस सकते हो और जो बलगम है उसे बाहर निकाल देते हो। तो कई बार आपने देखा होगा कि जिन्हें काफी ज्यादा खांसी होती है, बलगम ज्यादा जमा होता है, जब वो दवाइयां लेते हैं और वो जो जोर से जो है खांसते हैं और बलगम काफी ज्यादा उनका निकलता है, जो ब्रोंकियल ट्रैक में ज्यादा फंसा हुआ रहता है वो पूरी तरीके से बाहर निकल जाता है, तो यही उसका मेन काम रहता है इन दवाइयों का, एक्सपेक्टोरेंट्स का। किस तरह के कैटेगरी ऑफ ड्रग्स जो है वो दी जाती है मैं ज्यादा डिटेल में इसमें बात नहीं करूंगा, बट आपको जस्ट एक इन्फॉर्मेशन की बात देता हूँ। डेक्स्ट्रोमेथॉर्फन जो है वो दिए जाते हैं, जैसे कि हमने कफ सिरप्स आप देखेंगे तो उसमें ज्यादातर आपको देखने को मिलेंगे। ये क्या करता है? टेम्परेली जो आपकी कफ है उसको थोड़ा सा रिलैक्स कर देता है, मतलब जो बार बार आप खांस रहे हो जिसके वजह दर्द हो रहा है आपको, तो वो लुब्रिकेट करने की वजह से थोड़ा सा जो म्यूकस बाहर निकल जाता है तो आपके कफ से थोड़ा सा आपको रिलैक्सेशन मिल जाता है। पोटेशियम आयोडाइड ये तभी दिया जाता है पेशेंट्स को जब उन्हें काफी ज्यादा क्रॉनिक लंग्स डिसीज है, काफी ज्यादा परेशानी है लंग्स से रिलेटेड, तभी दिया जाता है। मेंथॉल हम देखते हैं कि जो विक्स की जो गोलियां हम लोग खाते हैं तो वो मेंथॉल वगैरह जो उसमें रहता है तो वो क्या करता है कि हमारे जो ब्रोंकियल ट्रैक है तो उसे कूलिंग सेंसेशन प्रोवाइड करता है, थोड़ी ठंडक जो है वो प्रोवाइड कर देता है, जिसकी वजह से जो इरिटेशन होता है या फिर जो हम देते हैं कि जो गर्माहट जैसे महसूस होती है तो थोड़ा सा ठंडक महसूस होती है उस ट्रैक पे, इस तरीके के मेंथॉल दिए जाते हैं, मेंथॉल सिरप रहते हैं, लोजेंजेस जैसे जो विक्स की जो गोली रहती है उसे लोजेंजेस कहा जाता है, लोजेंजेस के बारे में अगला टॉपिक में हम लोग डिटेल में समझेंगे। ओरल हाइड्रेशन मतलब पानी पीते रहें, थोड़ा सा ग्रीन टी पीते रहें, बार बार गुनगुना पानी पीते रहें या फिर गार्गलिंग करता रहें और थोड़ा सा हाइड्रेट अपने बॉडी को हाइड्रेट रखें ताकि वो ट्रैक जो है वो बार बार बलगम से ना भर जाए। स्टीम हमें लेने को कहा जाता है, स्टीम भी उसमें काफी ज्यादा रिलीव करते हैं, हनी कहा जाता है कि लिया जाए। जब आप कोई दवाइयां लेते हैं एक्सपेक्टोरेंट जिसे हम लोग कहते हैं जो कि खांसी के लिए, तो आप अपने जो डॉक्टर हैं जो फार्मासिस्ट हैं उन्हें ये भी बताइए कि मैं इसके साथ और चार दवाइयां ये भी ले रही हूं या ले रहा हूं तो ये मुझे सुटेबल रहेगा क्या, तो वो उस हिसाब से आपको मेडिसिन जो है वो प्रिस्क्राइब करेंगे तो फिर टाइम उस हिसाब से आपको प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। कई लोगों को एक्सपेक्टोरेंट से साइड इफेक्ट्स होते हैं, हम देखते हैं कि नौशिया वॉमिटिंग तो कॉमन रहता है, नींद इसमें कभी कभी आती है, डिजीनेस लगता है, थकान आपको काफी ज्यादा लग सकती है,
एब्डोमिनल पेन होता है इस दवाई से, मसल्स क्रैम्पिंग जिसकी वजह से होता है, कॉन्स्टिपेशन होने के चांसेस रहते हैं, कब्जी होने के चांसेस रहते हैं, स्किन रैशेज होते हैं, कई बार आपने देखा होगा कई लोग जो है दवाइयां लेते हैं उन्हें खारिश बहुत होती है ज्यादा हम देखते हैं कि, और उसके साथ हम देखते हैं कि एसिड रिफ्लक्स होते हैं, एसिडिटी बढ़ जाती है, पेट में काफी ज्यादा मरोड़ जैसा फील होता है इस दवाइयों को लेने की वजह से। और ज्यादातर हम देखते हैं कि जो चेहरा कभी कभी सूज जाता है, हम देखते हैं कि जो दवाइयां लेते हैं आपने कभी देखा होगा कि वो खांसी वगैरह की दवाइयां या फिर एंटी हिस्टामिनिक जो दवाइयां लेते हैं उसकी वजह से काफी चेहरे में उनके सूजन आ जाती है, स्वेलिंग आ जाती है। तो इस तरीके के कुछ कॉमन साइड इफेक्ट्स मैंने आपको बताए, जरूरी नहीं कि एक ही इंसान में ये सब हो, ये कलेक्टिव है, इसके ज्यादा और भी कुछ है पर वो ज्यादा डीप में है, पर उसको मैंने आपको यहाँ पे हाईलाइट नहीं किया। तो जो कॉमन है और सिलेक्टेड होते हैं, मतलब एक आधा कोई साइड इफेक्ट किसी को होता है, दो या तीन साइड इफेक्ट किसी को हो सकते हैं, और सब एक साथ किसी को होने के चांसेस काफी कम रहते हैं। तो ये कलेक्टिव इन्फॉर्मेशन था आज जो हमने डिस्कस किया, जो कि कैटेगरी ऑफ मेडिसिन है जो कि फार्मेसी और मेडिकल इंडस्ट्री में पढ़ाई जाती है, और बहुत कॉमनली हम देखते हैं कि ओटीसी मेडिसिन कह लीजिए या फिर हमें इजिली अवेलेबल है मार्केट में, उस कैटेगरी ऑफ दवाइयों को कहा जाता है एक्सपेक्टोरेंट।